नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के मामले में कांग्रेस भी लगातार बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पंजाब में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिससे प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि सबके प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कहकर कि यहाँ उनकी जान को खतरा था, पंजाब और पंजाबियत का अपमान किया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पंजाब सरकार के अफसरों से कहा था कि वो अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहें कि वो वहां से जिंदा लौट पाए। सिद्धू ने इसी बात का जवाब दिया है। सिद्धू ने कहा कि ऐसा कहना एक ड्रामा है। सिद्धू ने कहा कि जितने तिरंगे आपकी पार्टी, आपने और संघ ने नहीं फहराए होंगे उतने तिरंगे पंजाब के सपूतों की लाशों पर लपेटे जाते हैं। सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली में 70,000 कुर्सियों पर 500 लोग थे। सिद्धू ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का नाम लिए बिना कहा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री तो बेशर्म हो सकता है कि उसने खाली कुर्सियों को संबोधित किया, लेकिन एक प्रधानमंत्री अगर ऐसा करते तो क्या होता। नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या इसमें आईबी, रॉ और केंद्रीय एजेंसियों के लोग शामिल नहीं होते हैं? सिद्धू ने कहा कि प्रधानमंत्री का सड़क से जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक उनका प्लान कैसे बदल गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का किसान साल डेढ़ साल तक अपना हक मांगने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा रहा और वहां आपने हमारी पगड़ी हमारे किसानों को आतंकवादी का नाम दिया, खालिस्तानी, मवाली और आंदोलन जीवी का नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर प्रधानमंत्री की गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंचते दिख रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसे चारों ओर से एसपीजी के सुरक्षाकर्मी घेरे रहते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर कर कहा है कि कथित हत्या का प्रयास किसके द्वारा, जरा कपड़ों से पहचानो मोदी जी, ये कौन लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल ने अपने तर्क रखे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। एसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पंजाब सरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले की जांच नहीं कर सकती। एसजी ने कहा कि ऐसी संभावना है कि घटना अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ी हो। एसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि स्थानीय पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रही थी। उन्होंने कहा कि वो अदालत को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने इस मामले का संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह घटना भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकती है और यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना है। एसजी तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि पीएम का काफिला जब सड़क पर चलता है तो राज्य के डीजीपी से इस बारे में पूरी सलाह ली जाती है। जब डीजीपी कहते हैं कि रोड पूरी तरह साफ है तभी काफिला आगे बढ़ता है, लेकिन उन्होंने सड़क जाम होने को लेकर कोई चेतावनी नहीं दी। एसजी तुषार मेहता ने अपनी दलील में कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले के आगे एक गाड़ी भी चल रही थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस गाड़ी में मौजूद सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं बताया कि फ्लाईओवर पर रास्ता जाम किया हुआ है। लखीमपुर खीरी केस में पुलिस ने अपनी टेक्निकल रिपोर्ट के सबूत भी अदालत में जमा कर दिए हैं। 5,000 पेजों की चार्जशीट वो पहले ही फाइल कर चुकी है। चार्जशीट में कई टेक्निकल रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, लेकिन उनके सबूत अलग से जमा कराने होते हैं। सूत्रों ने बताया कि टेक्निकल रिपोर्ट में घटना वाली जगह के आसपास दो मोबाइल टावरों का जिक्र किया गया है। उन मोबाइल टावरों ने आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की लोकेशन हिंसा वाली जगह पर बताई है। आशीष केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। केंद्रीय मंत्री टेनी ने घटना के बाद इस बात को बार बार दोहराया था कि उनका बेटा घटना स्थल पर नहीं था, लेकिन टेक्निकल रिपोर्ट का सबूत आशीष के खिलाफ जा रहा है। लखीमपुर मामले में एक अधिकारी ने कहा है कि 17 वैज्ञानिक साक्ष्य जिसमें 3 हथियारों की बैलिस्टिक रिपोर्ट के साथ साथ छूटी हुई गोलियों की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटना स्थल से बरामद किए गए जले हुए वाहन भी शामिल थे, चार्जशीट में जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी की कॉल डिटेल रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन को भी चार्जशीट में सहायक साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया था।
इसके अलावा SIT ने मौके पर आशीष मिश्रा और अन्य की उपस्थिति साबित करने के लिए 208 चश्मदीद गवाहों और गवाहों के बयान शामिल किए थे। इनमें से 90 से अधिक गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए गए हैं ताकि वे बाद में अपने बयान से पीछे न हटें। नीट PG काउंसलिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की विशेष बेंच ने OBC को 27% आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के 10% आरक्षण को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि काउंसलिंग को जल्द शुरू किया जाना जरूरी है। EWS वर्ग के छात्रों के लिए इस साल आय की सीमा 8 लाख रुपए रहेगी। इस मामले में जल्द काउंसलिंग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कुछ दिन पहले दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। अदालत ने पहले भी कहा था कि देश के हित में नीट PG की काउंसलिंग को शुरू किया जाना चाहिए। काउंसलिंग 25 अक्टूबर से शुरू होनी थी लेकिन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसे टाल दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।